ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत मरवाही और कोटा विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। गौरेला जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका ऋषि मोहबिया का कहना है कि मरवाही विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मरवाही विधानसभा के लिए 242 और कोटा विधानसभा सीट के लिए 64 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 2,50,569 है जो प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। जिले में 20 संगवारी, 7 आदर्श, 2 युवा मतदान केंद्र के अलावा महिला मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। आज मतदान की तैयारी के संदर्भ में आज सारी पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है डिस्पैच सेंटर से। टोटल 264 मतदान केंद्र हैं, तो आज सभी दलों को रवानगी हो जाएगी। शाम तक उनका ओके रिपोर्ट सीओ ऑफिस को भेज दिया जाएगा। रही बस संगवारी बूथ की, तो 15 हमारे द्वारा मरवाही विधानसभा में और 5 कोटा विधानसभा में संगवारी बूथ बनाया गया है, और साथ ही 2 युवा बूथ बनाए गए हैं और 2 PWD बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार तो जितने भी चुनाव संबंधी गतिविधियां हैं वो 24-48 घंटे के पहले स्थगित हो जाती हैं। कल शाम को 5 बजे तक सारे प्रचार थम गए हैं। अब घर घर संपर्क वाला ही प्रचार का माध्यम बचा हुआ है, और जो भी अन्य जिले के निवासी हैं या स्टार प्रचारक हैं या कोई भी राजनीतिक दल के सदस्य हैं जो दूसरे जिले के या दूसरे प्रदेश के हैं, उनको बाहर जाने का निर्देश है, तो वो अभी 24 घंटे पहले वो बाहर चले जाए। मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने मत का अवश्य उपयोग करें और अवश्य कल अपने बूथ में जाकर मतदान करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।